गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही इस साल नवंबर दिसंबर में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। यही नहीं, चुनाव होते हैं तो पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा। अब तक राज्य में सरकार का कार्यकाल विशेष प्रावधान के तहत 6 साल के लिए होता था। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। संशोधित मतदाता सूची 31 अक्टूबर तक जारी की जा सकती है। वहीं मतदान केंद्र फाइनल करने का काम भी अंतिम चरण में है। आपको बता दें, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर विधानसभा की कुल 87 सीटें थीं। इसमें 4 सीटें लद्दाख की शामिल थीं, लेकिन लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें रह गई थीं। वहीं परिसीमन के बाद 7 सीटें और बढ़ गई हैं।